उनके आरोप सही है? सही तो यह है कि अस्तित्व नेहरू का था ही नहीं, अस्तित्व सुभाष चंद्र बोस का था, सरदार पटेल का था, वो तो जबरदस्ती वाला अस्तित्व था। नेहरू से लेकर आज तक 60 साल इस देश को ऐसे लूटा गया डकैतों की तरह। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा दिया है और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही ये भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला है। राहुल गांधी राफेल को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी के आरोपों को पुख्ता जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? राहुल गांधी राजनीति में पप्पू हैं, कोई उन्हें मंदबुद्धि कहता है, राजनीति उनके बस की नहीं है, उन्हें अपने ननिहाल इटली चला जाना चाहिए। आप भी साधु समाज से आते हैं, क्या आप राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश के पक्ष में हैं कि नहीं? नहीं, मैं पूरी ताकत से अध्यादेश के पक्ष में हूं और सबसे पहले इस बात को मैंने उठाया, फिर साधु संन्यासियों ने भी इसकी पुष्टि की और माननीय मोहन भागवत जी ने भी इसकी पुष्टि की। तो मेरा ये निश्चित मत है कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और अयोध्या में मंदिर बनाना चाहिए। अयोध्या में साधुओं का जमावड़ा की खबर सुनकर मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि उनको अयोध्या में डर लगने लगा है। नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हिंदू किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन हिंदू को कोई छेड़ता है तो हिंदू फिर उसे छोड़ता नहीं है। इसलिए हमें मत छेड़ो तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। अयोध्या और मथुरा में उनकी कैसी भाषा है? कोई खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है जाने दुश्मन ये जमाना सारा, कमलनाथ जैसे और पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा हुए और निमटने की बात करने लगे, वो ही निमट गए। अब कमलनाथ की कांग्रेस ही निमटने वाली है, वो ही ख़त्म होने वाली है। कांग्रेस के एक पूर्व सांसद गुफरान अहमद भोपाल के हैं, वो कह रहे हैं हम तो परेशान हो गए पप्पू का नाम सुनते सुनते, मंद बुद्धि बालक का नाम सुनते सुनते। इसलिए सोनिया से गुफरान अहमद ने आग्रह किया है कि राजनीति से इसको अलग करो, तो कांग्रेस थोड़ी बहुत बचेगी नहीं, तो कांग्रेस के बचने का कोई चांस भी नहीं है। तो कांग्रेस स्वयं समाप्त होने वाली है, वो हिंदुओं क्या देखेगी, हिंदू तो सारे विश्व में छाता चला जा रहा है। सोनिया गांधी कह रही है एनडीए से 11 दिसंबर से हाउस बैठने वाला है, 3 और 4 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश के धर्माचार्यों ने साधु संन्यासियों ने सरकार को धर्मादेश दिया है कि अयोध्यादेश लाई और अयोध्या में मंदिर बनाइए। चुप रहो प्लीज। इलाहाबाद में कुंभ भी है और 6 दिसंबर भी आने वाला है, तो अब कोई रास्ता नहीं रह गया, स्थिति बन गई है अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अयोध्या में अब मंदिर नहीं बना तो फिर कभी भी मंदिर नहीं बन सकता, इसलिए चाहे तो सरकार अध्यादेश लेकर के आए या कानून बनाए या नरसिंहा राव ने जो वहाँ की जमीन अधिग्रहित कर ली थी वो राम जन्मन्यास को जमीन दे दी जाए। एनकेन प्रकारेण अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मेरा मानना है कि 2019 के इलेक्शन के प्रारंभ होने से पहले अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। आदमी को जब ज़्यादा खाने को मिल जाता है तो अपच हो जाती है, तो मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर को अपच हो गई है, ज़्यादा सम्मान पार्टी मिल गया है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, क्या इससे विकास बढ़ेगा? पुरातन से जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों नाम बदले थे, मुगल शासन आया मुगल शासन नाम बदले थे, कितने मुलायम सिंह नाम बदले, कितने मायावती ने नाम बदले, अब योगी ने शुरुआत की तो कृष्ण करें तो लीला और कोई करे तो करेक्टर ढीला, वो सब करते रहे है? और अब योगी जी ने बदलना शुरू किया, सही से बदलना शुरू किया तो सब हायतोबा करने लगे, क्या मायावती नाम नहीं बदले थे, क्या मुलायम सिंह नाम नहीं बदले थे, क्या मुगल शासन नाम नहीं बदले गए थे, क्या अंग्रेज शासन नाम नहीं बदले गए थे। मुझे लगता है योगी जी सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो कलंकित नाम है जो नाम नहीं होने चाहिए वहाँ नाम का सुधार की आवश्यकता और नाम बदले जाना चाहिए।